딱히 계획 하단 매우가 보내다리지. कल यहाँ ओप्पो R17 Pro की लॉन्च में और ओप्पो ने दिया हमें ये छोटा सा खिलौना। इसके गेम्स तो आप देख ही चुके हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे यार ओप्पो R17 का यार कैमरा कैसे है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? हाँ जी भाई, शुरुआत करते हैं फ्रंट कैमरा से, क्योंकि फ्रंट कैमरा वही हमको देखने मिलता है जो Realme U1 के अंदर देखने मिलता है। अरे वही वाला 25 मेगापिक्सल वाला फ्रंट में लो लाइट परफॉर्मेंस जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है, वही वाला। उससे भी पहले नज़र डालते हैं यार स्पेसिफिकेशन के ऊपर कैमरा की। तो इसके अंदर सेल्फी के अंदर आपको देखने मिल जाता है 25 मेगापिक्सल का f2.0 20mm वाला सेंसर जो कि सोनी का सेंसर है, और यहाँ पर आप सिर्फ 1080p 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको देखने मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा f1.5 एपर्चर के साथ 26mm का आपको डायमीटर देखने के लिए मिलता है, और जो दूसरा कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल f2.6 एपर्चर के साथ, और जो तीसरा कैमरा है वो 3D मोशन कैमरा है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ से देख के बोल रहा हूँ, तो ये वेबसाइट आ रही है, आपके भाई की वेबसाइट है, जाके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने ही लिखा यार, कॉपी नहीं कर रहा हूँ। गुरु को आप लोगों को वीडियो थोड़ी अलग लग रही होगी कि यार मैं क्या बार बार एंगल बदल बदल के बोल रहा हूँ, यार वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जैसे कि ये अभी मतलब व्लॉगिंग स्टाइल में बोल रहा हूँ। तो अब यार बढ़ते हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स के ऊपर फटाफट। तो ये वाला सैंपल 2x जूम के साथ नहीं लिया था, नॉर्मली लिया था ये वाला सैंपल पोर्ट्रेट मोड इनेबल करके, और ये वाला सैंपल 2x जूम के साथ लिया था। वैसे डिजिटल जूम है, कोई ऑप्टिकल जूम नहीं दिया गया है इसके अंदर, तो आप क्वालिटी देखिए। और ये वाला भी नॉर्मली विदाउट पोर्ट्रेट मोड मैंने लिया था, तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे इसके अंदर। और ये वाला जो है मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर लिया था, लेकिन इसके अंदर कोई मतलब फेस नहीं है तो डिटेक्ट नहीं किया अच्छे से। और ये वाला मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर नहीं लिया था, नॉर्मली लिया था नाइट मोड ऑन करके, बहुत बेकार फ़ोटो आई है। और ये वाला भी देख सकते हो आप 2x जूम करके लिया था, ये भी मतलब डिजिटल जूम है, कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है, और ये उसके नॉर्मल पिक्चर है जिसके अंदर मतलब मैंने जूम आउट करके लिया है। देख सकते हो आप क्वालिटी कैसी आ रही है, और ये इसके अंदर थोड़ा सा वाइड एंगल आ जाता है। अब देख सकते हो यार क्वालिटी कैसी आ रही है आपके सामने। इसके अंदर जो ऑटो मोड है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये वीडियो सैंपल है छोटी सी, बहुत ज़्यादा फेस को ओवर एक्सपोज कर दिया इसने, फेस आप मेरा देख सकते हो पूरा वाइट वाइट कर दिया है, एक्सपोजर इसका इतना अच्छा सेट नहीं कर पाता ऑटो मोड के अंदर, और मैं वहाँ पर भी यही बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, ये तो बात हो गई फ्रंट कैमरे के गेम्स की, अब यार आते हैं रियर कैमरे के अंदर। उससे पहले आपको बता दियो रियर कैमरे के दो पीछे दो एक्स्ट्रा कैमरा दिया हुआ है ना, ऊपर और नीचे वाला, सिर्फ बीच वाला ही काम का, बाकी दो मतलब बेवकूफ़ बनाया गया है वहाँ पर। मतलब मैं जब खड़ा था ऐसे वीडियो अपने शूट कर रहा था वहाँ पर, यूनिट और वीडियो जब शूट कर रहा था, तो वहाँ पर जो लोग मतलब मैनेज करने के लिए रखे जाते हैं, मैंने उनसे पूछा यार बाकी के दो कैमरा क्यों लगे, मैंने दोनों कैमरे को फिंगर रख के भी फोटो खींचा, पोर्ट्रेट मोड भी यूज़ किया रियर में, तो भी यार कैमरा चल रहा था, लेकिन यार वो दो कैमरा है क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। यार मेरे ख्याल से बाकी के दो कैमरे ना बिल्कुल से बेवकूफ़ बनाने के लिए है, लेकिन जो एक कैमरा है उसके कुछ वीडियो सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, और यार देखो कैसे हो वीडियो सैंपल्स। और हाँ, इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा कचरा है फ्रंट कैमरे का, भले से 25 मेगापिक्सल का जूम भी मैंने यूज किया, वीडियो नहीं डाली, टेंशन मत लो यार वीडियो आ जाएगी। और हाँ, मैं किसी भी इवेंट्स में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, और अगर आप लोग को अपडेट्स चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है वहां पर, तो ये आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके यहाँ पर फॉलो करो, वहां पर ऐसे सारी चीजें आपको नई नई देखने के लिए मिलती रहेगी, कौन सी कंपनी बुला रही है नहीं। और हाँ, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा ओप्पो का, थैंक यू यार ओप्पो ये देने के लिए, डिवाइस देते ज्यादा अच्छा लगता। तो ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रियर कैमरे से, जो ट्रिपल कैमरा सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, मैंने दो कैमरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो भी स्टिल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 30fps के अंदर। आप देख सकते हैं मतलब क्वालिटी कैसी है, नाइट है, लेकिन EIS इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है, ऑटो फोकस भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा मेरे को दिख रहा है, लेकिन जो 2x जूम इसके अंदर दिया गया है वो डिजिटल जूम है, इसलिए उतना अच्छा काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं मतलब पूरा बेकार हो जाती है पिक्चर। इसमें मैंने पोर्ट्रेट मोड इनेबल करके पिक्चर लिए है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ब्लर क्यों नहीं हुआ बैकग्राउंड। और ये वाली पिक्चर के अंदर मतलब मैंने 2x जूम करके ली है,
डिजिटल वाले जूम करके लिए, और उसकी ये नॉर्मल पिक्चर है, ये मैंने 2x जूम करके नहीं ली, लेकिन वाली क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अगर मैं नॉर्मल स्क्रीन पर भी जूम कर रहा हूँ, और ये मतलब मैंने नॉर्मली पिक्चर विदाउट एनी मोड ओपन करे ही ली है, ये ज़्यादा अच्छी आई है यार। ये चीज़ मैंने टाइटल में डाली नहीं कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 710 देखने के लिए मिलता है, वो भी 45,000 रुपये की प्राइस में। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जब हम लोग सामने बैठे थे मेरे सारे फ्रेंड्स, और मतलब जब हम लोग ये देखे कि मतलब 45,000 रुपये, मतलब यार हलवा नहीं है यार। तीन कैमरा दे रहे हो लेकिन दो कैमरा कुछ काम का ही नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना ओप्पो वाले, तो डिवाइस भेज दो, मैं आपको प्रूफ नहीं दे दूंगा, डिवाइस को मतलब पूरा खोल के दिखा दूंगा। थोड़ा इंजीनियर तो बन ही गया यार, इतना तो कर ही सकता हूँ। ये वाली प्रॉब्लम मुझे देखने मिली थी वहां पर लॉन्च में, प्लीज ट्राई अगेन। मतलब मैंने कितनी बार यार फिंगर वहां पर प्लेस किया, फिंगर मेरा मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था यार, कितना मैं परेशान हो गया। आप लोग यार स्क्रीन पर अपने देख ही रहे हो, मतलब मैं बार बार फिंगर लगा रहा हूँ यार, क्या हो रहा है ये। तो यार इस फोन का कंक्लूजन क्या बनता है, तो फिर से मैं ओप्पो को थैंक यू बोलूँगा ये देने के लिए भाई, डिवाइस की जगह पर डिवाइस से बहुत अच्छा है पता है ये, तो थैंक यू यार ओप्पो। और एक गोल्फ वाला भी कुछ उसने दिया था उसके लिए भी थैंक यू। कंक्लूजन पे आते हैं, तो यार ये डिवाइस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता यार डिवाइस लेने का। बहुत ही मतलब क्या यार, मतलब मुझे जरा भी इवेंट में भी जाके अच्छा नहीं लगा, जरा भी खाने के नाम पे भी कचरा था। मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मैं ऑफेंड हुआ इवेंट में जाके, उसलिए नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है सच में यार। आप मतलब सोचो रियलमी U1 वो आपको देता है मतलब कितने कम दाम में, 14,000 रुपये का, 11,000 रुपये में आपको वो दे रहा है वही वाला फ्रंट कैमरा। और रियल में भी यार ये लोग ने तीन जो कैमरा दिया है मुझे कुछ समझा नहीं, मतलब दो कैमरे के ऊपर उंगली रखी और तो भी मतलब पोर्ट्रेट मोड चल रहा है, सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं यार, आपने तो देखा ही वीडियो में। तो 45,000 रुपये देखो इस वक्त ना, मैं iPhone XR को बोलूँगा आप लोग ले लो भाई, iPhone XR इज द बेस्ट फ़ोन, मतलब इसके मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ओप्पो ने हमें इन्वाइट किया, अगली बार भाई ऐसा कोई फ़ोन रहेगा तो प्लीज़ यार पहले ही फ़ोन दे देना ताकि हम इनवाइट में आएंगे ना भाई। फ़ोन दे दिया करो यार, अच्छा लगता है, फ़ोन दे दोगे तो मतलब अच्छा सा उसका एक डिटेल रिव्यू बना देंगे। लेकिन अब प्राइस बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मतलब स्नैपड्रैगन 845 और 710 में क्या डिफरेंस है, भाई 710 मतलब 636 से अच्छा है, और मतलब इतना भी कोई ज़्यादा तीर नहीं मार गया 710 के अंदर, सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए कि 710 और 636 में क्या डिफरेंस है तो वो वाली वीडियो बना दूंगा। तो बस यार लेना मत भाई इसको, इस फ़ोन को कोई मत लेना। और अगर ओप्पो मुझे देता है फ़ोन तो उसके बाद देखेंगे कि मतलब फ़ोन में क्या क्या अच्छी चीज़ है, हो सकता है इसके ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, उसने कम टाइम में मतलब मैं यूज़ ना कर पाया तो ओप्पो वाले यार सॉरी। और हाँ ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, बिल्कुल से यार ऑनेस्ट ओपिनियन था। और थैंक यू ओप्पो भाई, बहुत अच्छी चीज़ दे दिया तुमने, बहुत से भी ज़्यादा वाली अच्छी चीज़। वो गोल्फ वाला ना मेरे बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसको किस किस चीज़ में यूज़ करूँ। तो यार बहुत वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, थैंक यू ओप्पो फॉर इन्वाइटिंग मी, और डिवाइस दे देना तो अच्छा है। और मेरे पैर दर्द कर रहे हैं भाई, मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मतलब यार मजाक है क्या, इतना सारा पैसा खर्चा करते हो, हमें दे दो यार, पॉजिटिव रिव्यू बना देंगे। पॉजिटिव रिव्यू नहीं यार, ज्यादा हो गया मतलब।